नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल टेस्ट परफॉर्म करने का सही प्रोसीजर क्या है। इस वीडियो में हमने एनामोल लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए किट को यूज़ किया है। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले किट कंपोनेंट्स को ध्यान से स्टडी करते हैं। किट के अंदर दिया गया है एक बॉटल कोलेस्ट्रॉल रिएजेंट और एक बॉटल कोलेस्ट्रॉल का स्टैंडर्ड, जिसकी वैल्यू है 200 mg पर dl। इसके अलावा किट के अंदर दिया गया है इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़। हम रेकमेंड करते हैं सारे यूज़र्स को कि टेस्ट रन करने से पहले एक बार इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ को ध्यान से पढ़ लें। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट परफॉर्म करने के लिए आपको इन सब के अलावा कुछ एडिशनल चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि क्लीन और वेल कैलिब्रेटेड पिपेट 1000 माइक्रोलीटर वॉल्यूम की, क्लीन और वेल कैलिब्रेटेड पिपेट 10 माइक्रोलीटर वॉल्यूम की, क्लीन एंड ड्राई टिप्स 1000 माइक्रोलीटर वॉल्यूम के और क्लीन एंड ड्राई टिप्स 10 माइक्रोलीटर वॉल्यूम की, क्लीन एंड ड्राई ट्यूब्स जिसमें हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे, जिसको हमने पहले से ही लेबल किया हुआ है, पेशेंट का सैंपल, सीरम सैंपल, टिश्यू पेपर और टाइमर या स्टॉपवॉच। दोस्तों, प्रोसीजर समझने से पहले हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि रिएजेंट प्रिपरेशन का क्या प्रोसेस है। दोस्तों, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि कोलेस्ट्रॉल हमारा सिंगल रेडी टू यूज़ रिएजेंट है, इसलिए इस रिएजेंट में किसी भी प्रकार का प्रायर वर्किंग सॉल्यूशन का प्रिपरेशन नहीं ज़रूरत है टेस्ट परफॉर्म करने से पहले। तो आइए अब हम सबसे पहले प्रोसीजर की तरफ ध्यान देते हैं। दोस्तों, प्रोसीजर के मुताबिक हमें यहाँ पर तीन ट्यूब्स लेनी है, एक ब्लैंक के लिए, एक स्टैंडर्ड के लिए और एक टेस्ट के लिए। ब्लैंक वाली ट्यूब में हमें 1000 माइक्रोलीटर रिएजेंट लेना है सिर्फ। स्टैंडर्ड वाली ट्यूब में हमें 1000 माइक्रोलीटर रिएजेंट और 10 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड लेना है। टेस्ट वाली ट्यूब में हमें 1000 माइक्रोलीटर रिएजेंट और 10 माइक्रोलीटर पेशेंट का सैंपल लेना है। इसके बाद हमें इसको मिक्स करके 10 मिनट्स के लिए 37 डिग्री सेल्सियस पे इनक्यूबेट करना है और उसके बाद हमें इस रिएक्शन मिक्सचर को फ्लो सेल या इंस्ट्रूमेंट के अंदर एस्पिरेट करके एब्जॉर्बेंस नोट करनी है। दोस्तों, प्रोसीजर के मुताबिक हमने यहाँ पर तीन ट्यूब्स पहले से ले ली है और इसको हमने लेबल किया है ब्लैंक के लिए, स्टैंडर्ड के लिए और पेशेंट के सैंपल के लिए या टेस्ट के लिए। अब प्रोसीजर के मुताबिक हम 1000 माइक्रोलीटर की एक टिप अच्छी लेंगे क्लीन एंड ड्राई और हमारे रिएजेंट के बॉटल में से हम यहाँ पर 1000 माइक्रोलीटर एस्पिरेट करेंगे और तीनों ट्यूब्स में डिस्पेंस कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब भी आप यहाँ पर रिएजेंट एस्पिरेट कर रहे हों तो आपको यहाँ पर एयर बबल नहीं लेनी है। इसके बाद हम स्टैंडर्ड की बॉटल लेंगे और उसमें से एक क्लीन और ड्राई 10 माइक्रोलीटर की पिपेट और टिप यूज़ करते हुए हम 10 माइक्रोलीटर इसके अंदर से स्टैंडर्ड एस्पिरेट करेंगे। इसके बाद हम टिप के बाहरी हिस्से को एक टिश्यू पेपर से क्लीन कर देंगे और जो हमारी सेकेंड ट्यूब है स्टैंडर्ड वाली, उसमें ये 10 माइक्रोलीटर का स्टैंडर्ड ऐड कर देंगे। इस रिएक्शन मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, इसके बाद हम यहाँ पर टिप चेंज कर लेंगे और एक फ्रेश टिप ले लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर पेशेंट का सैंपल 10 माइक्रोलीटर एस्पिरेट करेंगे और दोबारा से टिप के बाहरी हिस्से को हम टिश्यू से क्लीन कर देंगे और जो हमारी थर्ड ट्यूब है टेस्ट वाली, उसमें हम ये 10 माइक्रोलीटर पेशेंट का सैंपल ऐड कर देंगे और उसके बाद हम इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इस रिएक्शन मिक्सचर को 37 डिग्री सेल्सियस पे इनक्यूबेट कर देंगे 10 मिनट्स के लिए। दोस्तों, जब तक हमारा इनक्यूबेशन टाइम चल रहा है तब तक आप यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट में कोलेस्ट्रॉल का प्रोग्राम ओपन करके रख सकते हैं। आप हमारी एक सेपरेट वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया है कि
इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में दिए गए टेस्ट पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए आप कैसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट को कोलेस्ट्रॉल के प्रोग्राम के लिए सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल का प्रोग्राम पहले से ओपन किया हुआ है। दोस्तों, इंक्यूबेशन ख़त्म होने के बाद अब हम हमारी एब्जॉर्बेंस की प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले ब्लैंक का ऑप्शन आ रहा है प्रोग्राम में, तो हम ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर मैसेज आ रहा है एस्पिरेट ब्लैंक, तो हम सबसे पहले हमारी ब्लैंक वाली ट्यूब लेंगे और इस ब्लैंक वाली ट्यूब को इंस्ट्रूमेंट के अंदर एस्पिरेट कर देंगे। एक छोटे से डिले टाइम के बाद इंस्ट्रूमेंट हमारे ब्लैंक की एब्जॉर्बेंस को नोट कर लेगा। उसके बाद हमें यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड वाला। यहाँ पर मैसेज आ रहा है एस्पिरेट स्टैंडर्ड, तो हम सबसे पहले उसके बाद हमारी जो सेकेंड ट्यूब है स्टैंडर्ड वाली, वो हम यहाँ पर लेंगे और इस ट्यूब को हम एस्पिरेट कर देंगे। एक छोटे से डिले टाइम के बाद यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ने स्टैंडर्ड की एब्जॉर्बेंस भी नोट कर ली है और यहाँ पर एक नया फैक्टर दे दिया है और हमें यहाँ पर वो ऑप्शन दे रहा है कि क्या हम इस फैक्टर को सेव करना चाहते हैं, हाँ या ना, तो हम यहाँ पर ऑप्शन यस सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर जाना होगा थर्ड ऑप्शन में, सैम्पल। हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम हमारी तीसरी ट्यूब है टेस्ट वाली, उसको यहाँ पर लेंगे और इंस्ट्रूमेंट में एस्पिरेट कर देंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, एक छोटे से डिले टाइम के बाद में इंस्ट्रूमेंट ने हमारे पेशेंट सैंपल की एब्जॉर्बेंस भी नोट कर ली है और उसके बाद यहाँ पर रिज़ल्ट भी डिस्प्ले कर लिया है। अब यहाँ पर रिज़ल्ट आया है 46.09, मतलब कि ये नॉर्मल रेंज का सैंपल है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इस तरह की और एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।